Hello everyone, this is Dr. Anjali. Welcome to my YouTube channel. In the today class we are going to start electricity part 2, in which we will do the topic Ohm's Law, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. स्टार्ट करते हैं टॉपिक ओम्स लॉ के साथ. तो देखिए, ओम्स लॉ ने एक बहुत सिंपल सा रिलेशन दिया था किसके किसके बीच में, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में. ओके, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो ये वोल्टेज है और ये करंट है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. इसका मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो करंट की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी. तो दैट इज फाइन कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के. बट ये किस कंडीशंस में फॉलो होगा, इसके लिए कुछ फिजिकल कंडीशंस होती है और जहां पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या है कि जो आउटर बॉडी है उसका साइज नहीं चेंज होना चाहिए एंड द रिमेनिंग पैरामीटर्स आर मोर कि किस टाइप के डिवाइसेस पे फॉलो होता है. बट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस. बस आपको इतना पता होना चाहिए अभी के लिए कि जो वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, करंट के प्रोपोर्शनल होती है अगर उस बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है. ओके, तो अब यहां पे जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिकली प्रोपोर्शनल साइन का मीनिंग क्या होता है. देखो, प्रोपोर्शनल अगर हम इक्वल लगाते हैं तो यू नो वेरी वेल कि एलएचएस है और आरएचएस है, दोनों की दोनों इक्वल है. बट ऐसा हुआ कि अगर मान लीजिए आप कोई चीज बोल रहे हो कि जैसे केवल एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला लिया या फोर्स का फार्मूला लिया, किसी का भी ऐसा फार्मूला लिया कि मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में 5 आ गया एंड राइट हैंड साइड में यहां पे आपको 4.98 मिला. ओके, तो यहां पे ये वैल्यूज इक्वल तो नहीं है, ठीक है. बट अब हम क्या करें, कैसे रिलेशन फाइंड आउट करें, तो हम क्या करते हैं इसकी जगह पे यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन लगा देते हैं कि मतलब ये जो वैल्यूज है वो नियर बाय इक्वल है. बट ये जो 0 पॉइंट है ये बहुत सारे एक्सटर्नल पैरामीटर है. एज यू कैन सी यहाँ पे 0.2 का डिफरेंस आया. ये एक्सटर्नल पैरामीटर्स है जिनका हमें स्टडी करने का इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, तो अब जैसे ही हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, आर. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाया, इक्वल करके क्या लगाया, आर आया. तो बेसिकली अगर आप जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, ऑफ कोर्स करंट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है. बट उस अकॉर्डिंगली करंट मिल नहीं रही है तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सर्किट में कुछ लॉसेस हो रहे हैं. और हर सर्किट के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता है, रेजिस्टेंस होता है. तो बस ये वही रेजिस्टेंस है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा है, आप कितनी भी वोल्टेज बढ़ा दो आपको करंट मिलेगी नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम क्या करता है होता है, ये करंट का अपोज करता है. ठीक है, ये क्या करता है, करंट का अपोज करता है. इन द सेम वे, इसलिए यहाँ पे आर की वैल्यू आई, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. एंड जैसे ही हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हमें क्या मिला, आई आर मिला. ओके, तो इन दिस वे वी कैन राइट. ओके, अब यहाँ से आर का फॉर्मूला यू कैन फाइंड, आर क्या हो गया, वी अपॉन आई. ओके, तो देखो वोल्टेज वी क्या है, वोल्टेज, आई क्या है, करंट. वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट. आई की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर. तो ये जो वोल्ट पर एम्पियर है इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं. ये तो आप सभी ने पढ़ा है. रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है. और जो ये ओम है एग्जैक्टली क्या है, वोल्ट पर एम्पियर है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन आई. तो यहां से आपको एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी मिला एंड ऑफ कोर्स एक इक्वेशन भी मिली, एक कंसेप्ट भी समझ में आया कि वोल्टेज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के. ठीक है, बट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, इसलिए हम प्रोपोर्शनल का साइन लगा के क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगाते हैं, इक्वल में आई आर. ओके, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. इन द सेम वे कई बार एग्जाम में आता है कि अच्छा 1 ओम की डेफिनेशन क्या होती है, तो अब आपको रेजिस्टेंस तो पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वी अपॉन आई. अब आपको ये रेजिस्टेंस 1 ओम मिलेगा कब, जब आपको रेजिस्टेंस है वो 1 ओम कब मिलेगा, या तो जो वोल्टेज और करंट है वो बिल्कुल इक्वल होगी, या फिर दोनों की वैल्यू 1 वोल्ट होगी और करंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी. ओके, तो इन वेरी सिंपल वर्ड वी कैन राइट what is 1 ohm if the potential difference across two end of a conductor is 1 volt. अब देखिए potential difference क्या होता है, वोल्टेज ही होता है. तो इन द सेम वे बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी दो एंड्स के बीच में, मान लीजिए ये सर्किट है, इस सर्किट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई सर्किट लगाया, बैटरी लगाया, बट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 1 वोल्ट है। और इस 1 वोल्ट के सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो जो ये रेजिस्टेंस है ये क्या हो गया, 1 ओम हो गया। इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था ओम्स लॉ का। अब यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, समझना है। ओके, तो देखो यहाँ से हमें ये चीज तो समझ आ गई थी कि V इक्वल टू आई आर है और R की वैल्यू होगी V अपॉन I। अब मैं यहाँ पे बच्चों से पूछूंगी कि बेटा रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंडेंट होता है क्या, तो 90% ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे यस मैम होता है, क्योंकि R का फॉर्मूला है V अपॉन I। इन द सेम वे मैं बेटा पूछूंगी आपसे क्या रेजिस्टेंस करंट पे भी डिपेंडेंट होता है, तो यू विल से कि यस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। आप बोलोगे कि रेजिस्टेंस वोल्टेज पे भी डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस करंट पे भी डिपेंडेंट है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, यस बोलोगे। बट आई विल से कि बेटा आपका आंसर रॉन्ग है। अभी रॉन्ग कैसे हो गया, फॉर्मूला में तो यही पढ़ा है, फॉर्मूला तो यही पढ़ा है R इक्वल टू वी अपॉन आई, तो हमारा फॉर्मूला रॉन्ग कैसे हो गया, क्योंकि बेटा ये जो रेजिस्टेंस है ये केवल आपकी कैलकुलेशन करने के लिए यूज आता है। किसके लिए, कैलकुलेशन करने के लिए यूज आता है। ओके, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको ये समझ में भी आए और आपको ये ट्रिक भी याद रहे। अगर आप रेजिस्टेंस को देखोगे, रेजिस्टर को देखोगे, रेजिस्टेंस को देखोगे, तो ये क्या होता है, फिजिकल होता है ना, फिजिकल बॉडी होती है। तो इन द सेम वे जो बॉडी का रेजिस्टेंस है वो भी किस पे डिपेंड करेगा, फिजिकल पैरामीटर में डिपेंड करेगा। तो इसीलिए व्हाट वी कैन से कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो इसको आई कैन राइट 1/A। ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। तो व्हाट आई कैन राइट, अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस को साथ में लिखती हूं तो मुझे क्या मिलता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ओके, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो इक्वल आया एंड इसकी जगह मैंने क्या लगाया, रो। अब रो इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ओके, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। L इज लेंथ एंड A इज एरिया एंड यू नो वेरी वेल, यहाँ पे हम लोगों ने समझा ही है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मिला, R इक्वल टू रो L/A। ओके, यू गॉट इट बच्चों। तो अब देखिए आगे चलते हैं इसी के आगे। अब हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ से हमें R का फॉर्मूला मिल गया, रो L/A। अब मैं जब भी आपसे पूछूं कि बेटा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि उसकी लेंथ पे डिपेंडेंट होता है। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही से ये फॉर्मूला आया एंड द एग्जैक्टली फॉर्मूला वी गॉट एट R इक्वल टू रो L/A। ठीक है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। अब देखो यहाँ से आई कैन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ रो। रो का फॉर्मूला मिला, रो का फॉर्मूला क्या हुआ, RA/L। एम आई राइट। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि जो बेटा रेजिस्टिविटी है वो क्या एरिया पे डिपेंडेंट होती है या फिर वो लेंथ पे डिपेंडेंट होती है, वंस अगेन आई एम आस्किंग, तो आई विल से अगेन नो। क्यों, क्योंकि ये एरिया और लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं होती है। ये जो इक्वेशन है ये क्या होगी, केवल कैलकुलेशन में यूज होगी। किस पे यूज होगी, कैलकुलेशन पे यूज होगी। तो देखो रेजिस्टिविटी तो आपको पता ही है क्या होता है, जो करंट का अपोज करती है, करंट का अपोज कर रही है। तो यहाँ से R का फॉर्मूला वी गॉट इट, रो L/A। तो रो क्या मिल गया हमें, RA/L। रो की वैल्यू क्या मिली, RA/L। तो अगर हम रेजिस्टेंस की यूनिट पुट अप करते हैं, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो उसको आई कैन राइट डायरेक्टली मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट भी मीटर, ब्रेथ की यूनिट भी मीटर, तो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। और L क्या हो गया, मीटर। अब ये ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर है, तो कैंसिल आउट हुआ, आपको क्या मिला, ओम मीटर। ओके, तो अब ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि ठीक है बेटा ये रेजिस्टिविटी है, ये एरिया पे भी डिपेंडेंट नहीं है, ये लेंथ पे भी डिपेंडेंट नहीं है। तो ये डिपेंडेंट किस पे है, रेजिस्टिविटी डिपेंड होती है। जैसे रेजिस्टिविटी क्या हुई, मटेरियल की प्रॉपर्टी हुई, तो ये क्या करेगी, एक्सटर्नल पैरामीटर पे डिपेंडेंट होती है। किस पे, टेम्परेचर पे, ठीक है, या नेचर और जो कंपोजिशन होता है मटेरियल का उस पर डिपेंडेंट होती है। तो नाउ वी कैन सी रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड होती है, टेम्परेचर पे, नेचर पे या कंपोजिशन होता है, किस टाइप का मटेरियल है उस पे डिपेंडेंट होती है। ओके, अब हम एक बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स लेके चलते हैं, क्योंकि जो कंपैरिजन वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो बार बार एग्जाम में आते हैं, नॉट इन द 10th क्लास, ऑफकोर्स इन द 12th क्लास और कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑल्सो, बिकॉज आई ऑलवेज से माई स्टूडेंट की बेटा जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं इट्स नॉट अबाउट 11th एंड 12th, इट्स ऑल अबाउट 9 to 12th। ठीक है, 9-10th में जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए 11-12 थोड़ी इजी हो जाएगी सॉल्व करनी। ओके, अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इफ लेंथ इज डबल इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। तो ऑफ कोर्स वी विल सी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = ρL/A। अब हमने क्या किया, हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, अगर हमने यहाँ पे L को डबल कर दिया तो देखो L को डबल करने के लिए मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया, तो नाउ यू कैन से कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। ओके, इन द सेम वे अगर मान लो मैं एरिया को डबल करती हूँ तो अगेन मैं इस फॉर्मूले में लिखूंगी R = ρL/A, और मैंने एरिया को क्या किया, डबल कर दिया, तो मैंने आगे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाउ यू कैन सी कि जो रेजिस्टेंस एरिया है, एरिया रेजिस्टेंस के वैसे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे वैल्यू में भी पुट करके देख दिया, तो जैसे ही आपने एरिया को डबल किया, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, हाफ हो गया, और अगर आप लेंथ को डबल कर रहे हो तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, डबल हो गया। ओके, तो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द आंसर। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टेंस तो क्या करती है, करंट का अपोज करती है, तो रेजिस्टिविटी वही प्रॉपर्टी है, और कंडक्टिविटी क्या है, हाउ फास्ट करंट कैन फ्लो। तो ये बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। रो व्हाट इज, जो ये सिग्मा है, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी, एंड बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है रो को 1/सिग्मा, और यू कैन राइट σ = 1/ρ। ठीक है, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से लिखना है। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर हमने रेजिस्टिविटी की यूनिट फाइंड आउट की थी तो क्या फाइंड आउट की थी, ओम मीटर। इन द सेम वे अगर कंडक्टिविटी की यूनिट फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/रेजिस्टिविटी, 1/रेजिस्टिविटी। अब हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट अप करते हैं तो 1/ओम मीटर। अब ये जो ओम का अपोजिट होता है ना 1/ओम, उसको हम महो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महो, जो ओम का उल्टा है। जैसे ओम का साइन इस तरीके से होता है तो महो का जो सिंबल है वो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओम इज जस्ट लाइक दैट एंड महो अपोजिट। तो महो पर मीटर क्या हो गया, महो पर मीटर। तो किसी भी तरीके से आप इसे लिख सकते हो। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक बार फटाफट से जितना भी पढ़ा है उसका रिवाइज करते हैं एंड देन फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था हमने ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, V = IR, वोल्टेज इज, सबसे पहले तो यही देखा था, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड जैसे ही हमें प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं हमें इक्वेशन क्या मिली, V = IR, एंड यहाँ से हमें R की इक्वेशन मिलती है V/I। बट अगेन वी विल से कि बेटा जो ये रेजिस्टेंस है ये वोल्टेज और करंट पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो केवल कैलकुलेशन करने के लिए है। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के है। अगर हम इसे डायरेक्टली लिखेंगे तो क्या मिलेगा, L/A, और इसको इक्वल करके लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ρL/A। क्या हो जाएगा, ρL/A। तो रो क्या है, एक्सटर्नल पैरामीटर है, मतलब इसका मतलब ये क्या है कि 99.8% तो ये लेंथ और एरिया पे डिपेंडेंट था। अगर आपने इस पार्ट पे कैलकुलेशन करी ना, R = L/A, यहाँ पे आपने L की वैल्यू रखी, एरिया से डिवाइड किया, फिर रेजिस्टेंस की देखी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम थी, L/A को डिवाइड किया तो आपको यहाँ पे कुछ 4.98 मिल गया। वैल्यूज केवल हम एज्यूम कर रहे हैं। तो जो 0.2% गायब हुआ है ना, ये कहाँ हुआ है, रेजिस्टिविटी ने गायब किया है। तो इसलिए यहाँ पे लगाया है प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वल का साइन, और क्या मिला, R = ρL/A। ओके, तो ये हमें किसका मिल गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। इन द सेम वे अब यहाँ से रेजिस्टिविटी के कंसेप्ट को समझते हैं, क्योंकि हमारे मोटे मोटे टॉपिक क्या थे, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। एंड वंस अगेन यहाँ से आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, RA/L। यूनिट्स आर वेरी कंपल्सरी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ओके, इन द सेम वे रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो यू कैन डायरेक्टली पुट, अगर आपको याद नहीं है, R की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, तो ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इफ वी टॉक अबाउट कि यहाँ पे रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट होता है, तो आप कहोगे लेंथ के एंड एरिया के, एंड रेजिस्टिविटी किसके डिपेंडेंट होती है, तो या जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है या जो कंपोजिशन होता है मटेरियल का उस पे डिपेंडेंट होती है। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ओके, तो अभी तक हमने इतना कुछ पढ़ा था। इन द लास्ट यू कैन से कि जो रेजिस्टिविटी है एंड कंडक्टिविटी है बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन द कंडक्टिविटी व्हाट वी सी, कंडक्टिविटी में हम क्या देखते हैं कि करंट कितना फास्ट मूव कर सकती है। अगर हम बोल रहे हैं कंडक्टिविटी फास्ट है तो मतलब इसमें करंट बहुत अच्छी फ्लो हो रही है। अगर मैं बोल रही हूँ कि इसमें रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। और कंडक्टिविटी ज्यादा है मतलब करंट बहुत ईजिली फ्लो हो रही है। अब इन द सेम वे हमने रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट तो समझ लिया, तो अब हमें ये पता है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में अगर जो कोई भी स्विच है, अगर आप उसमें कोई मेटल का पैन डालोगे तो आपको करंट आएगा कि नहीं आएगा, बचपन में आया होगा ना करंट मेटल के थ्रू। तो जो मेटल्स और एलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी मतलब बहुत कम है, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, उसमें करंट बहुत ईजिली फ्लो हो जाती है। और ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ओके, तो इसीलिए जो हम बोलते हैं कि जो मेटल्स और एलॉय हैं दैट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन द सेम वे वी टॉक अबाउट इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में कभी करंट फ्लो होती है, कोई भी आपने वुड देखा होगा या फिर कभी भी कोई घर पे आपने नोटिस किया होगा इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है तो वो रबड़ की चप्पल पहन के कर रहा है, क्यों, क्योंकि दैट आर गुड इंसुलेटर। ओके, ये सब क्या है, इंसुलेटर है जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है, इसीलिए इंसुलेटर को क्या बोला जाता है कि जो इनकी रेजिस्टिविटी है क्या होती है, बहुत हाई होती है। इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। किस अमाउंट में होती है, 10⁻¹2 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ये देखो इसकी जो रेजिस्टिविटी है कितनी कम है, 10⁻⁻8 मतलब बिल्कुल ही कम चली गई, एंड यहाँ पे 10⁻¹2 मतलब बहुत हाई रेजिस्टिविटी है। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब द वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में भी आता है इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो एलॉय है और मेटल्स हैं हम इनको कंपेयर करते हैं, मेटल्स को और एलॉय को कंपेयर करते हैं। अगर मैंने आपके सामने एक मेटल रखा और एक एलॉय रखा, ठीक है, मैं दोनों को कंपेयर कर रही हूँ बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। एक मैंने मेटल लिया और एक एलॉय लिया। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि जो बेटा मेटल है ना इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई है, मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत हाई है, ठीक है, और एलॉय की कंडक्टिविटी लो है, एलॉय की कंडक्टिविटी लो है। अब लो किसकी कंपैरेटिवली है, मेटल की कंपैरेटिवली, ऑफ कोर्स इंसुलेटर से तो बहुत ज्यादा होती है। जो एलॉय की जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर से तो बहुत ज्यादा होती है, बट मेटल के कंपैरेटिवली ना एलॉय की कंडक्टिविटी लो है। अब मैं बोलूँगी बेटा आपको एक सर्किट डिजाइन करना है और आपको करंट का कंडक्शन तो बहुत बढ़िया चाहिए, ठीक है, करंट का कंडक्शन अच्छा होना चाहिए, तो आप किसका यूज करोगे, मेटल का यूज करोगे या फिर एलॉय का यूज करोगे, ठीक है। अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता मुझे ये नहीं आता होगा तो मैं यही बोलती हूँ कि हाँ मेटल का यूज करते हैं क्योंकि मेटल की कंडक्टिविटी तो बहुत हाई होती है, बट ऐसा नहीं होता, बहुत जगह हम एलॉय का यूज करते हैं, बहुत सारी ऐसे डिवाइसेज है जहां पे हम मेटल का यूज नहीं करते, एलॉय का यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों, आगे देखते हैं, ठीक है। एलॉय के पास रेजिस्टिविटी हाई है मेटल से, यस है। अब देखो इनकी कंडक्टिविटी लो है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बेटा जो रेजिस्टिविटी है और कंडक्टिविटी है बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सिग्मा इज कंडक्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी, बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑफ कोर्स इसकी अगर कंडक्टिविटी लो है तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो गई, इसकी हाई, इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो गई, हाई हो गई, और इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो गई, लो हो गई। ओके, तो यहां पर हमसे ये पूछा है कि एलॉय है, एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है, एलॉय की रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा है मेटल से, देन व्हाई वी यूज एलॉय, ठीक है, तब भी हम एलॉय का यूज क्यों करते हैं, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। यहाँ तो हमें एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, एलॉय हैविंग हाई रेजिस्टिविटी देन मेटल्स, देन व्हाई वी यूज एलॉय, तो ये आपको राइट डाउन करना है। बिकॉज जो एलॉय है वो हाई टेम्परेचर पे जलते नहीं है, बर्न आउट नहीं होते हैं। देखो कंडक्टिविटी इज अ डिफरेंट पैरामीटर, ठीक है, कंडक्टिविटी इज अ डिफरेंट पैरामीटर एंड बर्निंग इज अ डिफरेंट पैरामीटर। अगर आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया, इट जस्ट लाइक आपने कभी हीटर को देखा होगा, ठीक है, हीटर में इस तरीके से कॉइल्स लगी होती हैं और अगर कोई भी फूड हम उसमें गर्म करते हैं तो वो क्या करती है, बर्न होने लग जाती है। ओके, तो अब मुझे ये तो पता है कि ये एलॉय है, इसकी कंडक्टिविटी लो है, तो इसके अंदर हमने किसका यूज़ किया, एलॉय का। हीटर के अंदर किसका यूज़ किया, एलॉय का। क्यों? क्योंकि मैं अगर कंडक्टर का यूज़ करती ना तो उसकी कंडक्टिविटी इतनी हाई है कि वो ब्लास्ट कर जाता। लेकिन एलॉय की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, जितने भी एलॉयज होते हैं ना उनकी प्रॉपर्टी होती है कि कितना भी टेम्परेचर दे दो वो बर्न नहीं करते, वो जलते नहीं है। जबकि यही आप कंडक्टर का यूज करोगे तो वो बर्न कर जाएंगे, लेकिन एलॉय हाई टेम्परेचर पे बर्न नहीं करते हैं। इसलिए जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस होती है ना, जैसे आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, आप अपने घर पे प्रेस यूज करते हो, उसमें भी एलॉय का यूज होता है, क्योंकि अगर कंडक्टर का यूज करता है वो ब्लास्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे टोस्टर, जैसे सैंडविच मेकर है, इन द सेम वे। तो जहां पे भी फूड को हम हीट करते हैं वहां पे हम नॉर्मली किसका यूज करते हैं, एलॉय का यूज करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टंगस्टन का। ठीक है, जो टंगस्टन किसके अंदर यूज होता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स आपने देखा होगा ना, अभी तो हम सबके घर पे एलईडीज यूज होती है, बट अगेन कभी आपने बल्ब देखे होंगे और जो बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा होता है, जो बल्ब में फिलामेंट लगा होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का होता है। ओके, अब वो टंगस्टन को क्यों यूज करते हैं, कई बार पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट होते हैं उसमें हम टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब के, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का यूज करते हैं। और टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं, इसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टंगस्टन क्या है, एलॉय है। क्या है, एलॉय है। और एलॉय बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर पे, एलॉय डू नॉट बर्न एट हाई टेम्परेचर। इन द सेम वे फिर ये जो मेटल्स हैं इनका यूज कहाँ करते हैं, जितनी भी ट्रांसमिशन लाइंस बनती है ना, जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है, आप हर जगह देखते हो मोबाइल की ट्रांसमिशन लाइन है, टेलीफोन की लाइन्स हैं, तो इन पर किसका यूज़ होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। अब देखो इसके बाद क्या, हमारी बुक में एक टेबल गिवन है, टेबल गिवन है कि उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टिविटी आपको गिवन है, एलॉय है, रेजिस्टिविटी गिवन है। आप देख के डरना मत, क्योंकि ये टेबल आपको याद नहीं रखनी है, डोंट वरी अबाउट दिस। इसको केवल रीड करना है और समझना है। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोई भी एक मेटल उठा लिया और उसकी रेजिस्टिविटी पूछ ली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे और न्यूमेरिकल के अंदर आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन होगी, 110% गिवन होगी, तो इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें, कंपेयर करते हैं तो देखो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या है, 1.60 × 10⁻⁸। अब आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हो तो देख रहे हो कि जो रेजिस्टिविटी है, जो यहाँ पे रेजिस्टिविटी है वो क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे कम रेजिस्टिविटी है वो किसकी है, सिल्वर की है। और जो सबसे हाई रेजिस्टिविटी है वो किसकी है, पेपर की है, जो ड्राई पेपर होता है या डायमंड की। नॉर्मली हम लोग डायमंड का एग्जांपल लेते हैं कि डायमंड इज अ बेस्ट इंसुलेटर। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो बेस्ट कंडक्टर है दैट इज द सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, सिल्वर होता है। और इसके बाद किसका यूज करते हैं, बेस्ट एज अ इंसुलेटर। एज अ इंसुलेटर किसका यूज करते हैं, डायमंड का यूज करते हैं। नाउ यू कैन से कि जो सिल्वर एंड कॉपर है दैट आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंडक्टर। बिकॉज ऑफ कॉपर का यूज क्यों करते हैं, जो जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कॉपर का यूज क्यों किया जाता है, सिल्वर का यूज क्यों नहीं करते। भाई सिल्वर बहुत एक्सपेंसिव है, उसको यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम किसका यूज कर लेते हैं, कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का। बेस्ट इंसुलेटर इज अ डायमंड। अब हमें ये समझ आ गया कि जो डायमंड की रेजिस्टिविटी हाई है और यहाँ पे इसकी जो डायमंड की जो रेजिस्टिविटी है बहुत हाई है और सिल्वर एंड कॉपर की रेजिस्टिविटी काफी लो है। इन द सेम वे वी टॉक अबाउट कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो मैं आपसे पूछूंगी बेटा सबसे हाई कंडक्टिविटी किसकी है, तो आप बोलोगे कि सिल्वर की कंडक्टिविटी मैम सबसे हाई होती है। अच्छा, सिल्वर के बाद किसकी कंडक्टिविटी हाई है, कॉपर की कंडक्टिविटी हाई है। अब मैं बोलूँगी कंडक्टिविटी सबसे कम किसकी होती है, किसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होती है, तो यू विल से कि डायमंड की कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है या ड्राई पेपर की कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है। दैट इज द, एज यू कैन सी द वैल्यू यहाँ पे 1 10 to पावर 12 डिवाइड करोगे तो ये ऊपर जाएगा 10 to पावर -12, इट्स इज कंडक्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी डायमंड की क्या होती है? बिल्कुल कम होती है। तो बस इस टेबल के अंदर आपको सबकी रेजिस्टिविटी गिवन है जो आपको केवल रीड करनी है। अब इसी बेसिस पे क्या करते हैं, जो भी हमने अभी तक फॉर्मुलाज देखे हैं उसी बेसिस पे क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो कौन कौन से फॉर्मुला देखे? तो सबसे पहले हमने एक फॉर्मुला देखा है V इक्वल टू आई आर, सेकेंड फॉर्मुला देखा है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ओके, अब कई बार न्यूमेरिकल्स ऐसा होता है कि थोड़े से टफ आते हैं तो हमें यहाँ पे एरिया की वैल्यू पुटअप करनी होती है जो भी शेप गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन वी रीड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। ओके, अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, करंट, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, आगे ये गिवन है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना है, 1200 ओम है। ओके, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। तो ये तो इसका बी क्वेश्चन है, बाद में करते हैं, सबसे पहले हम ए क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। ए क्वेश्चन में ये है कि आपको करंट कैलकुलेट करनी है, आपको वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। तो वी नो वेरी वेल आई बी इक्वल टू आई आर, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, वी अपॉन आर। आई यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे गया डिवाइड में हो गया। तो जो वोल्टेज है कितना है यहाँ पे, 220 वोल्ट। ओके, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1200 ओम। तो आपको बस इसे ही कैलकुलेट करना है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, आगे उसे सॉल्व करोगे तो अगेन 11 से जाएगा, 11 2 जा 22। ओके, एंड 2 से 2 की टेबल पे ही चल रहे हैं, तो 2 6 जा 12, 60। तो हमें क्या मिला, 11/60। तो 60 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो ऑफकोर्स 0.18 एम्पियर यू विल गेट। आप डिवाइड करके देख सकते हो, छोटे बच्चे नहीं हो, डिवाइड करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले पॉइंट लगाया क्योंकि जीरो नहीं है तो जा नहीं सकता, तो ऑफकोर्स 61 जा 60, तो आगे आप अगेन माइनस करोगे 11 में से 6। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर। ओके, अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया जिसमें हमें यहाँ पे कितनी करंट मिली, 0.18 एम्पियर। कितनी करंट मिली, 0.18 एम्पियर। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। तो अगेन हमें क्या करना है, अगेन कैलकुलेट करनी है करंट, बट किस केस में, अगर आपके पास वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है और इसके बाद जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है, 100 ओम है। तो ऑफकोर्स वी नो वेरी वेल V इक्वल टू आई आर, और आई की वैल्यू कितनी हो गई, V अपॉन आर। वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। ओके, तो यहाँ से जीरो कैंसिल आउट हुआ, आपको करंट कितनी मिल गई, 2.2 एम्पियर। तो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट, दोनों केस में हमें करंट कैलकुलेट करनी थी, तो दोनों केस में हमने यहाँ पे करंट को कैलकुलेट किया। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट। तो यहाँ पे जो आपको वोल्टेज है कितना गिवन है, 60 वोल्ट, व्हेन इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर है। व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। ओके, तो देखो दोनों केस के अंदर हम यहाँ पे चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आपने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसका कितना है, 60 वोल्ट है, तब इसमें कितनी करंट फ्लो होती है, 4 एम्पियर होती है। ओके, तो ये तो आपको यहाँ पे फर्स्ट केस गिवन है। अब आगे बोला है व्हाट करंट विल द हीटर विल ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब आगे पूछा हुआ इसमें यह है कि आपको करनी तो क्या है, करंट कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करनी है, बट किस केस में, अगर आपने वोल्टेज कितना इंक्रीज कर दिया, 120 वोल्ट इंक्रीज कर दिया। आप कैसे कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करें? तो द फर्स्ट थिंग देखो, इलेक्ट्रिकल हीटर एक ही है, उसी यही इलेक्ट्रिक हीटर क्या काम कर रहा था, एक ही इलेक्ट्रिक हीटर है जो 60 वोल्ट पे 4 एम्पियर करंट दे रहा था, और यही हीटर है जो 120 वोल्ट लेगा, बट मुझे नहीं पता कि जो इसकी करंट है वो कितनी होगी, ये करंट को मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखो हीटर एक ही है, मटेरियल एक ही है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, एक ही हीटर है, एक ही मटेरियल है, तो रेजिस्टेंस सेम होगा। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते V/I से। कैसे कैलकुलेट कर लेते V/I से? तो वोल्टेज क्या है 60 वोल्ट एंड करंट क्या है 4 एम्पियर। तो इन द फर्स्ट केस हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया, कितना आया 2, तो 4 5 जा 20, तो ये मिला मुझे रेजिस्टेंस यहाँ से 15 ओम। तो जो ये फर्स्ट केस गिवन था ना मुझे, यहाँ पे जहाँ पे मुझे वोल्टेज और करंट की वैल्यू तो गिवन थी, उससे मैंने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। अब आगे सेकंड केस में क्या है, मुझे करंट कैलकुलेट करनी है, तो मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकती हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रही थी, V = IR है, मेरे पास I कैलकुलेट करना है V/R से। तो वोल्टेज की तो वैल्यू है 120 वोल्ट, बट मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं था। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या किया मैंने, इस केस को यूज किया। तो जो 120/15 कितना होगा, आपको सॉल्व करना है तो कितना होगा 8 एम्पियर, ठीक है। 15 आप 120 से डायरेक्टली करोगे डिवाइड, तो आपको कितना मिलेगा 8 मिल जाएगा। तो करंट कितनी हो गई 8 एम्पियर, इसकी करंट हो गई। तो जो टोटल आंसर है वो आपके पास कितना आया 8 एम्पियर। आई होप सो आपको समझ आया होगा। तो इन द सेम वे अगर आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, अगर आप क्वेश्चन को रीड अप कर पा रहे हो अच्छे से, तो ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली यू कैन डू द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है एंड सॉल्व किस तरीके से करना है। देखो क्योंकि फॉर्मूला तो एक ही है ना, V = IR या R = ρL/A, इसके बाहर तो नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं से तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग निकालना है और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए कोई मेटल वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी गिवन है 1 मीटर गिवन है, ओके, एंड इसका रेजिस्टेंस कितना है 26 ओम है। तो हमें अभी तक 2 डेटा दिया है, लेंथ एंड देन इसका रेजिस्टेंस। आगे गिवन है कि ये किस टेम्परेचर पे है, तो इसका टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। आगे गिवन है इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर। यहाँ पे वायर का डायमीटर कितना है 0.3 मिलीमीटर। तो यू नो वेरी वेल कि जो यूनिट होती है मीटर की, सॉरी यूनिट होती है लेंथ की, हम क्या लेके चलते हैं, मीटर लेके चलते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है 0.3 मिलीमीटर। तो ये 0.3 मिलीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻³ का। यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, जैसे मिलीमीटर है तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ का। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻² का, ओके। इन द सेम वे माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁶ का। तो ये आपको आना चाहिए। यहाँ पे डायमीटर गिवन है, मिलीमीटर में है, तो हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आगे इसमें ये सॉल्व करना है व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल वायर एट द टेम्परेचर, ओके। आगे हमें इसकी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है R = ρL/A, और हमें क्या कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया RA/L। तो ये RA/L, वी नो वेरी वेल, A क्या है, एरिया है, रो रेजिस्टिविटी है, R रेजिस्टेंस है, L लेंथ है, ओके। तो हमें देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी गिवन है, हमें यहाँ पे लेंथ भी गिवन है। अब हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया गिवन नहीं है। अब द बेसिक क्वेश्चन है कि हम एरिया को कैलकुलेट कैसे करें, ओके। तो देखो एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो मेटल वायर है, मेटल वायर की हम शेप कैसे लेके चलते हैं कि वो सर्कुलर फॉर्म का वायर होता है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया πr², ओके। बट अगेन हमारे पास रेडियस नहीं है, हमारे पास क्या है डायमीटर है। अब वी नो वेरी वेल कि जो डायमीटर होता है उसके थ्रू वी कैन कैलकुलेट द रेडियस, क्योंकि जो रेडियस है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं पाई, रेडियस की वैल्यू पुट अप करनी है तो क्या करेंगे 0.3 × 10⁻³ में 2 का डिवाइड कर देंगे एंड ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारे पास एरिया आ गया। आगे वैल्यूज पुट अप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट अप करी, कितनी है 26 ओम, ओके। इसके बाद एरिया की वैल्यू पुट अप करते हैं, तो क्या है पाई 0.3, ये वाली टर्म है, तो एज इट इज सबसे पहले पाई की वैल्यू भी पुट अप कर दी 3.14 एंड 0.3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 एंड ये स्क्वायर में है, तो अगेन आ गया 0.3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो यहाँ से हमने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को सॉल्व किया। आगे इसका कैलकुलेशन पार्ट है, वो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो एज यू कैन सी सबसे पहले ये जो ऊपर माइनस वाली टर्म है इसको ऐड कर लेते हैं तो जो ये पावर्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब भी पावर मल्टीप्लिकेशन में होती है तो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 कितना हो गया, 10⁻⁻6। नीचे 2 2s are 4, ऊपर चलते हैं 26 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ओके आगे गया है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। क्लियर है? तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है। इन केस अगर कोई टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है तो हम उसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे एज यू कैन सी कि डॉट लगा हुआ है, तो सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को 26 से तो आपको कितना मिलेगा, 81.64। ओके इन द सेम वे अगर आपने मल्टीप्लाई किया 0.3 को 0.3 से तो डायरेक्टली आपको पता है कितना आ जाएगा, 0.09। कैसे सॉल्व किया, 3 3s are 9, अब देखो डॉट किसके बाद लगाए 1 and 2 तो इसलिए हो गया 0.09। ओके इसके बाद 10⁻-6 एंड डिवाइड में क्या आ गया, 4 आ गया। वंस अगेन वी विल सॉल्व। आगे क्या करेंगे, 81.64 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0.09 के साथ, तो आपको कुछ मिलेगा 7.3। क्या मिलेगा, 7.34 into 10⁻-6 एंड इसको हमने कैसे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। अब जो ये हमारा आंसर है 7.34, क्या आंसर है हमारा 7.34, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, तो आपको कुछ मिलेगा 1.835। ओके और यू कैन राइट 1.84 into 10⁻-6। यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, हमें एक वायर गिवन है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी गिवन है हमें, एज इट इज यू कैन सी कि उसकी वायर की लेंथ L है, एरिया A है और उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4 ओम है। ओके अब आगे गिवन है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। अच्छा तो मतलब ये एक यहाँ पे 2 वायर्स को यूज किया है। ओके ये तो हो गया फर्स्ट वायर। अब आगे गिवन है कि सेकंड वायर। अब सेकंड वायर का डेटा अलग होगा, तो लेट्स सी कि सेकंड वायर में क्या डेटा गिवन है, What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A? तो that means हमें second wire का resistance calculate करना है, जो उसकी length है कितनी है, L by 2 है और area क्या है, previous wire वाले जो wire है उसकी comparatively double है। तो इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बेटा आपको इलेक्ट्रिसिटी में मिलेंगे, ये आपको हर चैप्टर में मिलेगा, ठीक है, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर हो गया, आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हमें रटना नहीं है इसको, हमें इसे समझना है ताकि एक क्वेश्चन से हमारे क्या हो, 20-25 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमें एक वायर का डेटा गिवन है, जिसकी लेंथ हमें L गिवन है, एरिया हमें A गिवन है, सेकंड वायर का भी लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है एंड सेकंड वायर का हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम किससे करते हैं, डिवाइड करके भी सॉल्व करते हैं, दो तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से इसे सॉल्व करके बताऊंगी, आपको जो मेथड इजी लगे आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ओके तो सबसे पहले जो मैं अपने पर्सनली बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि बेटा डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड कर लो, सबसे पहले हम फर्स्ट वायर के लिए इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वायर के लिए इक्वेशन क्या हो गई यहाँ पे, R = ρL/A। ओके तो ये फर्स्ट वायर की मुझे इक्वेशन मिली। इन द सेम वे मैं अब सेकंड वायर के लिए इक्वेशन लिखती हूँ। तो देखो सेकंड वायर का रेजिस्टेंस अलग होगा ना, तो उसका रेजिस्टेंस हम R डैश ले लेते हैं, R डैश एज्यूम किया। अब इसका भी फॉर्मूला तो यही होगा ρL/A, बट आगे इसने ये बोला है कि जैसे R डैश है तो चलो इसको ρL' upon A डैश ले लेते हैं, क्योंकि पहले वायर का L है, A है, तो सेकंड वायर का क्या किया हमने, L डैश और A डैश ले लिया। रेजिस्टिविटी हमने सेम ली है, रेजिस्टिविटी को डिफरेंट क्यों नहीं लिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है कि जो वायर का मटेरियल है वो क्या है, सेम है। अगर वायर का मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। ओके अब यहाँ पे गिवन क्या है, क्वेश्चन में आगे गिवन ये है कि जो सेकंड वायर की लेंथ है वो फर्स्ट वाले की कंपैरेटिवली हाफ है, तो मतलब जो ये L डैश है इसकी वैल्यू कितनी हो गई L/2, तो इसकी वैल्यू हमने पुटअप कर दी L/2 एंड बोला है कि जो एरिया है वो सेकंड वायर की कंपैरेटिवली डबल है, सॉरी फर्स्ट वायर की कंपैरेटिवली डबल है, तो जो ये एरिया है A डैश है इसको हमने क्या ले लिया ट्वाइस ऑफ इट। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या की सेकंड वायर की इक्वेशन बना ली। अब हमें क्या करना है सेकंड वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आर डैश कैलकुलेट करना है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम, क्या करते हैं इक्वेशन 2/1 क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2/1। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने इक्वेशन 2/1 किया, तो इक्वेशन 2 में क्या है आर डैश और फर्स्ट में क्या है आर, तो आर डैश अपॉन आर हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या है रो एल अपॉन 4a, रो एल अपॉन 4a, सेकंड वायर की वैल्यू रख दी, आर डैश की वैल्यू पुटअप कर दी, इसके बाद हम किसकी वैल्यू पुटअप करेंगे आर की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो आर की वैल्यू कितनी है रो एल अपॉन ए, तो यहाँ पे नीचे लिखा रो एल ऊपर गया ए क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में था तो ये ऊपर चला गया। ओके, अब देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही, तो एज यू कैन से रो एल से रो एल कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा 1/4, मतलब आपको आर डैश बाय आर की वैल्यू कितनी मिली 1/4। ओके, तो यहां से आपको r डैश कितना मिल जाएगा r/4, यहाँ पे r डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में हुआ, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में गिवन है, जो r की वैल्यू है दैट इज द 4 ओम, तो यहाँ पे r की वैल्यू रखी है हमने 4 से डिवाइड किया, तो जो न्यू रेजिस्टेंस है वो आपको कितना मिल गया 1 ओम मिल गया। तो एक तरीका तो ये है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चंस में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप पूछ सकते हो कि ठीक है मैडम जो भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होंगे उसमें डिवाइड करना है क्या इस तरीके से, यस 110% कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चन को आप डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो, दिस इज द इजिएस्ट मेथड। अब क्वेश्चन 2 ये बनता है कि अच्छा मैम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना है या 2 को 1 से डिवाइड करना है, तो देखो इस केस में मुझे किसको कैलकुलेट करना था आर डैश को कैलकुलेट करना है, किसको कैलकुलेट करना है आर डैश को कैलकुलेट करना है, तो आर डैश को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया है मैंने यहाँ पे इसको आर डैश बाय आर किया है। अगर आप आर बाय आर डैश करते ना तो बस एक स्टेप और बढ़ जाता, आर बाय आर डैश है मुझे क्या चाहिए आर डैश चाहिए, तो मैं दोबारा करती आर बाय आर डैश बाय आर, ओके उसको इन्वर्स करती, तो इसलिए मैंने क्या किया डायरेक्टली कर लिया, अदरवाइज दोनों मेथड से सेम आएगा। अब देखो सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका क्या है जो हमें बुक में गिवन है, बुक में देखो किस तरीके से गिवन है कि जो फर्स्ट वायर के लिए आपको रेजिस्टेंस कितना मिला रो एल अपॉन ए, ठीक है ये फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस है। अब सेकंड वायर का रेजिस्टेंस कितना है, सेकंड वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो रो, यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई, जो लेंथ है वो कितनी है L/2, डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, जो सेकंड वायर है उसकी लेंथ कितनी है L/2, मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुटअप कर रही हूँ, और एरिया कितना है 2 टाइम्स ऑफ ए, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर दी। अब जो मेरा क्या मिला R2 इक्वल टू 1 बाय फोर रो एल अपॉन ए। अब एज यू कैन सी रो एल अपॉन ए कितना है, रो एल अपॉन ए कितना है R1, तो R2 इक्वल टू R1/4 हो गया, R1 की वैल्यू पुटअप कर दी 4 क्योंकि R1 की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है 4 ओम है, 4 से 4 को डिवाइड किया आपको क्या मिला 1 ओम मिला। तो आप किसी भी तरीके से जो मेथड आपको इजी लगेगा आप उससे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए इसके बाद में क्या है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है हमें उन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है एंड देन उसको समझना भी है, डोंट गो विद रटिफिकेशन, ऑफकोर्स अगर एक बार रट लोगे तो बाद में भूलने के बहुत चांसेस रहते हैं, बट अगर कोई चीज समझ आ जाती है कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो उन चीजों को हम भूलते नहीं है। ओके, तो देखो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ओके, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, तो इस बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया था कि बेटा हम फॉर्मूला यूज करते हैं v इक्वल टू आई आर, बट ये जो रेजिस्टेंस है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे v अपॉन आई पे डिपेंडेंट होगा, ये किस पे डिपेंडेंट होता है लेंथ पे और एरिया पे। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। ओके, तो नाउ you can write resistance depends on length, area and resistivity। तो इन फॉर्मूले से we have to find कि जो resistance है वो किन किन चीजों पे dependent होता है, तो आपको फॉर्मूला भी लिखना है and then इस तरीके से भी mention करना है। Next question, will current flow more easily through a thick wire or thin wire of the same material when connected to the same source? This kind of question मैंने नीट में भी देखा था, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है कि जो करंट है वो थिक वायर में फ्लो होती है आसानी से या थिन वायर में फ्लो होती है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको कैसे पता चलेगा थिक वायर में फ्लो होगी या थिन वायर में करंट इजीली फ्लो होगी, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसके लिए क्या करेंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो वी नो वेरी वेल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अब आप बोलोगे कि मैम करंट का पूछा था, आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्यों लिया? क्योंकि देखो आई क्या होता है, वी अपॉन आर, ठीक है। आई का तो आपको एक ही फॉर्मूला पता है, वी अपॉन आर। तो हाउ कैन यू फाइंड इट कि ये थिक वायर में करंट इजिली फ्लो होगी या थिन वायर में करंट इजिली फ्लो होगी? नहीं पता चल सकता, वोल्टेज से भी नहीं पता चल सकता, कैसे पता चलेगा? रेजिस्टेंस से। वी नो वेरी वेल आई का एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, वी अपॉन आर, बट इससे कैसे पता चलेगा थिक वायर का कंसेप्ट या थिन वायर का कंसेप्ट? इसीलिए हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिया है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब नाउ यू कैन सी जो रेजिस्टेंस है दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। हमेशा क्वेश्चंस में एरो के साइन से एक्सप्लेन करते हैं अपने टीचर्स को, तो टीचर्स ज्यादा इंप्रेस होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें ज्यादा थ्योरी नहीं रीड करनी पड़ती। इन द सेम वे अगर आप बोर्ड एग्जाम में भी एरो के साइन से, ठीक है, फॉर्मुले से टीचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो टीचर विल ज्यादा इंप्रेस होंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे भी मैंने आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि अगर आप एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस इक्वेशन से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R। अब अगर यहां पे हमने क्या किया, एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो करंट इंक्रीज हुई। ओके, आप इस फॉर्मूले को भी ले सकते हो, बट आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। ओके, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये तो सिंपल सा फैक्ट है। यहाँ पे आई इक्वल टू वी अपॉन आर से समझ आ रहा है रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हुई, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब रेजिस्टेंस कब डिक्रीज होता है, जब एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए, क्योंकि इसमें ये पूछा है विल करंट फ्लो मोर इजीली, मतलब करंट की वैल्यू ज्यादा चाहिए। करंट की वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कब होगा, जब एरिया ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली वी कैन से कि जब एरिया ज्यादा है तो करंट भी क्या होगी, ज्यादा फ्लो होगी। एम आई राइट? समझ आया? वंस अगेन, करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, और रेजिस्टेंस कम है तो एरिया ज्यादा है। इन दोनों फॉर्मूले से हमें पता चल गया। तो दैट मींस डायरेक्टली यू कैन से कि अगर आई की वैल्यू ज्यादा है तो एरिया की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए। तो इन दिस वे वी कैन से कि अच्छा ठीक है, जो एरिया ज्यादा होना चाहिए, अब आपको पता है थिक वायर का एरिया ज्यादा होता है कि थिन वायर का? ऑफकोर्स थिक वायर का एरिया ज्यादा होता है, तो करंट है वो थिक वायर में इजिली फ्लो होगी कंपेरेटिवली थिन वायर के। तो ये कंसेप्ट था, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इजी है, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। आई थिंक सो आप डायरेक्टली भी कर लेंगे इस क्वेश्चन को। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें गिवन है कि कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस हमने लिखा कांस्टेंट है। व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मल वैल्यू। तो जो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट थ्रू इट, तो इससे करंट में क्या चेंज होगा। तो देखो अगर हम फर्स्ट केस लेके चले तो नॉर्मल केस में तो आई का फॉर्मूला यही होता है वी अपॉन आर। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि आप क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं कर रहे, रेजिस्टेंस की वैल्यू में तो हम कोई नहीं चेंज कर रहे, बट जो वोल्टेज है उसको हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब देखो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, अगर वोल्टेज को हाफ करोगे तो करंट भी तो हाफ होगी। भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, I इज इक्वल टू V बाय R, R में कोई चेंजेस नहीं किया, V को हाफ किया तो करंट भी हाफ हो गई। तो इन द सेम वे हमने यहाँ पे I डैश इक्वल टू V डैश अपॉन R लिखा। V डैश कितना है, V अपॉन R, ठीक है, V डैश अपॉन R। ओके, V डैश की वैल्यू क्या होगी, V बाय टू, क्योंकि वोल्टेज हमने क्या किया, नया न्यू जो वोल्टेज है उसको प्रीवियस की कंपैरेटिवली हाफ किया, तो V बाय टू आया, तो करंट भी उससे क्या हो गई, हाफ हो गई। ओके, इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। वाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन द प्योर मेटल। अब हमने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा था कि जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज होती है जैसे टोस्टर है या फिर आयरन है, उसमें हम प्योर मेटल का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, एलॉय का यूज करते हैं। जबकि प्योर मेटल की कंडक्टिविटी तो बहुत हाई होती है, बिकॉज ऑफ रेजिस्टिविटी तो एलॉय की हायर है, प्योर मेटल से। बट होता क्या है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो एलॉय मेल्ट नहीं होते, ठीक है, मतलब बर्न नहीं होते हैं। आप कितना भी टेम्परेचर दे दो, जो मेटल है वो तो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा और ब्लास्ट कर देगा। बट एलॉय के साथ ऐसा नहीं होगा, एलॉय मेल्ट नहीं होते इजीली। और बेस्ट एग्जांपल हम एलॉय का क्या लेके चलते हैं, टंगस्टन। टंगस्टन किसमें यूज होता है, फिलामेंट के अंदर, जो बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा होता है, ठीक है, उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का यूज करते हैं, फिलामेंट के अंदर, जो क्या होता है, एलॉय होता है। ओके, तो अब आगे इसमें क्वेश्चन में गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक टेबल गिवन है, इससे आपको फाइंड आउट करना है। बस इस क्वेश्चन इसलिए गिवन है कि आपको ये टेबल रीड करनी आ रही है कि ढंग से नहीं आ रही है। ओके, तो आगे क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच अमोंग आयरन एंड मर्करी इज अ बेटर कंडक्टर, आयरन और मर्करी में बेटर कंडक्टर कौन है। तो देखो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर जिसकी रेजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। रेजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं आयरन की कंडक्टिविटी ज्यादा है या फिर मरकरी की कंडक्टिविटी ज्यादा है, बट हमें वैल्यू किसकी गिवन है, रेजिस्टिविटी की। तो जो जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमें ये फाइंड आउट करना है इन दोनों में से किसकी रेजिस्टिविटी कम है। तो एज यू कैन से यहाँ पे क्या है, 1.60 है, आगे क्या है 1.62 है, तो ये टेबल इंक्रीज हो रही है। तो दैट मींस जो सिल्वर है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है और सबसे हाई रेजिस्टिविटी किसकी है, डायमंड की और पेपर ड्राई की। तो लेट्स सी किसकी रेजिस्टिविटी कम है, आयरन और मरकरी में से, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन। तो मतलब आयरन पहले आया, मतलब आयरन की कंडक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद मरकरी का नंबर क्या है, क्रोमियम, मरकरी। तो एज यू कैन सी, अगर हम यहाँ पे आयरन को देखते हैं तो आयरन की रेजिस्टिविटी कितनी है, आयरन की रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 10 × 10⁻8 ओम मीटर। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे मरकरी का एग्जाम्पल ले, किसका एग्जाम्पल है, मरकरी का, तो मरकरी की रेजिस्टिविटी कितनी है, 94.10⁻8 ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी किसकी कम है, आयरन की तो 10 ही है, मरकरी की 94 है, मतलब आयरन की रेजिस्टिविटी कम है तो आयरन की कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी कंपैरेटिवली मरकरी। तो इन द सेम वे वी कैन से, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो बेटर कंडक्टर कौन है, आयरन है, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, 10 × 10⁻8, और इन द सेम वे मरकरी की ज्यादा है 94 × 10⁻8, इसलिए वो इसके जितना, आयरन जितना बेटर कंडक्टर नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। अब जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है वो बेस्ट कंडक्टर है, तो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है, जिसकी रेजिस्टिविटी कम है वो सबसे बेटर कंडक्टर है। रेजिस्टिविटी कम है सिल्वर की, 1.60 × 10⁻8। आज की क्लास में हमने कंसेप्ट क्लियर किए ओम्स लॉ के, रेजिस्टेंस के, रेजिस्टिविटी के, एंड इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल किए। आई होप सो आपको सभी न्यूमेरिकल समझ आए हैं, एंड देन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये न्यूमेरिकल्स आपने साथ में ट्राई भी किए होंगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप न्यूमेरिकल ट्राई नहीं करोगे तो फिर आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो न्यूमेरिकल आप सभी को ट्राई करने हैं। एंड इसके बाद इट्स टाइम टू क्विज, ठीक है, हमें यहाँ पे क्विज रन करनी है। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्विज, सबसे पहले मैं जो प्रीवियस क्विज थी उसके विनर को अनाउंस करती हूँ, दैट इज मिस्टर मानव कुल। ओके, तो मानव, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, ठीक है। तो आपके घर पे गिफ्ट बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, बट उसके लिए आपको मुझे अपना एड्रेस सेंड करना पड़ेगा। तो आप अपना एड्रेस सेंड करो, मैं आपको फटाफट से गिफ्ट सेंड करती हूँ। तो आज की क्विज हम रन करते हैं, आई होप सो आप सभी को इस क्विज के आंसर आते होंगे, ठीक है। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है, अगर न्यूमेरिकल अच्छे से किए हैं तो ये क्वेश्चन आप कुछ मिनटों में दे दोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो रेजिस्टेंस है वायर का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के, एरिया के, both A and B, none of these. You have to give answer. The second question is resistance of wire is inversely proportional to. So both questions are just like the same. You have to give the answer. The third question is which among the following represents the correct formula for resistivity. You have to find which is the right formula. The fourth question is SI unit of resistivity. The fifth one question is the reciprocal of resistivity is known as, तो reciprocal means inversely proportional. तो resistivity का inversely proportional क्या होता है, इसका आंसर आपको देना है। The sixth one question is the SI unit of conductivity. The next question is resistance of wire of length is R1 ohm. Resistance of wire of same length but 1/4 the area is dash the initial resistance. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है, न्यूमेरिकल ध्यान से सॉल्व किए, तो ये क्वेश्चन डैम श्योर आपसे सॉल्व हो जाएगा. बट इन केस इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन वीडियोस, ओके, अगर आपको वीडियो का कोई पार्ट समझ नहीं आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, या क्विज का कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस चैट बॉक्स में मुझे सेंड करना है. विद इन 24 आवर्स आई एम गिविंग यू गारंटी कि मैं आप लोगों को आंसर जरूर दूंगी. ओके, दैट इज फॉर श्योरिटी. ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आएगा तो ऑफ कोर्स उस पे हम स्पेशल एक वीडियो बना लेंगे केवल उस टॉपिक पे. ठीक है, ये टॉपिक समझ नहीं आया है तो हमें इस पे अलग से वीडियो बनाना है. एंड दैट इज नॉट कंपलसरी कि कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो उसके लिए बहुत सारे बच्चों का क्राउड होना चाहिए. अगर 2-3 बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब सबको प्रॉब्लम आ रही होगी. तो डैम श्योर उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बना लिया जाएगा. एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे. बाय ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल बिकॉज ऑफ बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे बच्चों ने ये वीडियो देखा है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइज. तो जल्दी से मिलते हैं. थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय ऑल.